हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। आज के क्लास में डिस्कस करेंगे 30 जनवरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल की क्लास का क्विक रिविजन कर लेते हैं। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में होने वाला है? चीन में। किस टाइगर रिजर्व को टीम मल्टीप्लाई 2 पुरस्कार दिया गया है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप किसने लॉन्च किया है? लोकसभा सचिवालय ने। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने ओरल कैंसर का पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है? आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने। देश की प्रमुख डायरेक्ट टू होम यानी डीटीएच कंपनी टाटा स्काई का नाम बदलकर कर दिया गया है टाटा प्ले। सऊदी अरब ने चोरी के रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किए हैं? थाईलैंड के साथ। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार किस ब्रांड ने 2022 में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है? एप्पल ने। सचित्र कॉमिक बुक इंडिया वीमेन अनसंग हीरोज का विमोचन किया गया है मीनाक्षी लेखी के द्वारा। हाल ही में पद्म श्री से सम्मानित चरणजीत सिंह का निधन हो गया है, वह कौन थे? हॉकी खिलाड़ी। मरा कक्कर और किस इंडियन मूवी को ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? जय भीम को। आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 9%। हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं? 55%। तो ये था कल का करंट अफेयर। अगर आप लोगों को डिटेल से जानना है तो कल की क्लास देख सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरुग्राम हरियाणा में। चार पहिया वाहनों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर कहाँ लॉन्च किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में। हाल ही में देश की पहली न्याय घड़ी किस राज्य में लगाई गई है? गुजरात राज्य में। भारत के पहले ओपन रोक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी किस शहर में स्थापित की गई है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा? मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल। देश का पहला खिलौना क्लस्टर कर्नाटक राज्य में बनाया गया है। भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है रानीखेत उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति जिले के काजा गांव में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर 80 वर्षों के निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल। आइए डिस्कस कर लेते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा रुपया है, यह एक दक्षिण एशियाई स्थलरूप राष्ट्र है, राजभाषा नेपाली है, वर्तमान प्रधानमंत्री है शेर बहादुर देउवा। संसार का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, जो कि नेपाल और चीन की सीमा पर अवस्थित है। काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच है। मेची नदी भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर बनाती है। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है।
नेपाल सरकार ने भारत की सीमा से सटे दक्षिण पूर्वी प्रांत दो का नाम मध्य प्रदेश घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने किस वर्ष तक आदित्य L1 अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2022 तक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने इसी साल आदित्य L1 अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की घोषणा की है। अपनी तरह का यह पहला अंतरिक्ष यान सूर्य का अध्ययन करेगा। अब डिस्कस कर लेते हैं इसरो के बारे में। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। संस्थापक थे विक्रम साराभाई। इसरो के हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं एस सोमनाथ। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने विकास इंजन का सफल परीक्षण किस राज्य से किया है? तमिलनाडु राज्य के महेंद्रगिरी से किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नीदरलैंड में, जैसा कि आप लोग कैनाल को पिक में देख सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं विश्व की प्रमुख नहरें, जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। सू नहर जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, सुपीरियर झील को हूरन झील से जोड़ती है। कील नहर जो कि जर्मनी में है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। इरी नहर जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, इरी झील को मिसिगन झील से जोड़ती है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। क्रा नहर किस देश में स्थित है? तो ये है थाईलैंड में। अब डिस्कस कर लेते हैं नीदरलैंड के बारे में। जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं नीदरलैंड की लोकेशन, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, नीदरलैंड की मुद्रा यूरो है और वर्तमान प्रधानमंत्री है मार्क रूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर अनंत नागेश्वरन को, जिनको आप पिक में देख सकते हैं। इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने केवी सुब्रमण्यम की जगह ली है। अब डिस्कस कर लेते हैं हाल ही में की गई प्रमुख नियुक्तियां। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? आर हरि कुमार। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन बने हैं? बीआर चौधरी। किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अलका उपाध्याय को। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सत्यनारायण प्रधान को। संजीव मेहता फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। विवेक जौहरी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में अतिथि राष्ट्र कौन सा चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए UK। डिस्कस कर लेते हैं आगे, 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 का आयोजन 28 जनवरी से 30 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसमें अतिथि राष्ट्र के रूप में चुना गया है UK को। अब डिस्कस करेंगे लेटेस्ट करंट अफेयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां करेंगे? हैदराबाद में 5 फरवरी को। भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? हैदराबाद में। मध्य प्रदेश के किस महोत्सव को स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया गया है? हनुवंतिया जल महाउत्सव को। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में ब्रेंडन टेलर पर आईसीसी ने 3.5 साल का प्रतिबंध लगाया है, वह किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिम्बाब्वे। पिक में आप इनको देख सकते हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बारे में, यानी आईसीसी के बारे में। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। वर्तमान उपाध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा और अध्यक्ष हैं ग्रेग बारकले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने नॉर्डिक क्लिंकर नौकाओं को अपनी विरासत सूची में शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूनेस्को। पिक में आप लोग नौकाओं को देख सकते हैं। डिस्कस कर लेते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि पेरिस में ओलंपिक कब होने वाले हैं। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक हैं ऑद्रे अजूले। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। भारत को कितने वर्ष के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो याद रखिएगा, 4 वर्षों के लिए भारत को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के औषधि महानियंत्रक ने हाल ही में किस कंपनी की नेजल वैक्सीन को ट्रायल की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत बायोटेक, जो कहां पर है? हैदराबाद में है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। भारत के औषधि महानियंत्रक ने हाल ही में भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी दे दी है, लेकिन इसका ट्रायल फिलहाल 900 लोगों पर किया जाएगा। यह इस वैक्सीन की तीसरी डोज का ट्रायल होगा। भारत बायोटेक तीसरी खुराक के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए आवेदन जमा करने वाली दूसरी कंपनी है। चलिए आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीष्मकालीन अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जायद सम्मेलन। ग्रीष्मकालीन अभियान 2021-22 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया है, जिसे जायद सम्मेलन भी कहा जाता है। खरीफ और रबी मौसम के बीच जायद फसलें उगाई जाती हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। इसका उद्देश्य पूर्ववर्ती फसल मौसमों के दौरान फसल के प्रदर्शन की समीक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर 2022 का आयोजन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। यह अभ्यास भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और तटरक्षक बल के बीच अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टाटा समूह को। अब डिस्कस कर लेते हैं टाटा के बारे में। टाटा के संस्थापक थे जमशेदजी टाटा। टाटा मोटर्स की स्थापना 1945 मुंबई में की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान अध्यक्ष हैं रतन टाटा। टाटा मोटर्स के कार्यकारी निदेशक है गिरीश बाग। टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर के लिए भारत का पहला प्लांट कहां पर चालू किया है? जमशेदपुर में। हाल ही में असम सरकार ने किसे राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया है? रतन टाटा को। तो ये था आज का करंट अफेयर। अब डिस्कस कर लेते हैं डेली स्टैटिक जीके डोज। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा के नाम से। भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थित है? बिहार में। सांची का स्तूप कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में।
अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। डायमंड हर्बल और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर एक बार देख लीजिए। निम्न में से किसे ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, कुमार मंगलम बिड़ला को। अगला क्वेश्चन था, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, दया प्रकाश सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। सतमाला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य में। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, मणिपुर राज्य में। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। हाल ही में भारत के पूर्व फुटबॉलर सुभाष भौमिक का 72 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग की मांग की है? अगला क्वेश्चन है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, उकाई सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये था आज का करंट अफेयर। अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।